गुड इवनिंग साथियों, आज मेरे साथ डॉक्टर जीडी गोलवाल हैं। जीडी गोलवाल साहब हमारे यहाँ पे लोकली जो डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर है उसमें सीनियर प्रोफेसर हैं और विभाग अध्यक्ष हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री के। आज लॉकडाउन को हुए हुए करीब 10 दिन हो गए हैं और बहुत ही रिलेवेंट है ये कि जितने भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हेल्थ के परिभाषा में 3 चीज़ें होती है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ। तो खास तौर से मैं मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ इश्यूज हैं उनको डॉक्टर गोलवाल के साथ शेयर करना चाहूँगा कि किस तरह की समस्याएँ हो सकती हैं। डॉक्टर गोलवाल, आपके अनुभव में आप क्या समझते हैं कि इतना लंबा समय है 21 दिन और कोई भी इतने दिन घर में बैठा नहीं रहा है इन परिस्थितियों में, तो आप क्या समझते हैं ये 21 दिन जो है स्टेप बाय स्टेप डे 1 से लेके और 21 तक लोग कैसे जीते हैं और बीच बीच में क्या समस्याएं आ सकती हैं? ऐसा सर कि व्यक्ति जो मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी है और समाज में वो रह करके ही जिंदा रह सकता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, भावनाओं को शेयर करता है, तभी उसको जीने का आनंद आता है। किसी भी व्यक्ति को यदि हम ये भी कहते हैं कि तू 21 घंटे के लिए कहीं से हिलेगा डुलेगा नहीं, इसी एक कमरे में या एक घर में रह जाएगा, तो ही उसको एक एंग्जाइटी पैदा हो जाती है कि यार ऐसे कैसे होगा, मैं कैसे समय निकालूंगा। और 21 दिन निकालना मतलब ये कि सोचने में भी आदमी कई बार तनाव में आ जाता है। पर चूंकि हम उस परिस्थिति से गुजर रहे हैं और ऑलरेडी हम 8-10 दिन करीब गुजर चुके हैं, तो ये जो परिस्थितियाँ होती है आदमी में एक तरह का, जब आदमी अपने समाज से दूर बन जाता है, एक लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में, लिमिटेड व्यवस्था के साथ में रहने की कोशिश करता है, तो उसमें एक नेगेटिव वातावरण डेवलप होने की संभावना रहती है। खास तौर से नकारात्मक विचार जो है उसको थोड़ा आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो चिड़चिड़ा भी हो जाता है कई बार, और एंग्जाइटी की वजह से कई बार डिप्रेशन में भी आ जाता है, अवसाद में आ जाता है, और उसका जो सोचने समझने की जो क्वालिटी है, जो उसका काम करने का जो तरीका है, हालांकि वो काम कर ही नहीं रहा है क्योंकि वो लॉकडाउन में है, बंद है, उसके पास कोई करने को काम नहीं है प्रैक्टिकली जो भी वो करता था, या कुछ लोग ऐसे हैं जो घर से कुछ काम कर रहे हैं पर वो भी एक रेंज में है, एक लिमिटेशन में है, तो उसको बड़ा नकारात्मक फील होता है, अपने आप को एक अंदर से एक अपराध बोध सा उसको महसूस होने लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस लिए हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन जो समाज में रहते हैं परिवार के साथ उनको तो इस तरह की शायद समस्या ना आती हो। जो समाज के साथ रहते हैं ना वो बहुत कम लोग होते हैं जो रेगुलर 24 घंटे घर में समाज में साथ में रहते हैं, पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो समाज से जुड़े हुए रहते हैं, अपने कार्य प्रोफेशन के साथ साथ भी वो समाज से जुड़े हुए रहते हैं। उन लोगों के लिए तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कि वो समाज से अब जुड़ नहीं पा रहे हैं। हालांकि आज की तारीख में जो सोशल मीडिया का जो एक प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू, वीडियो चैटिंग के थ्रू, व्हाट्सअप के थ्रू, फेसबुक, ट्विटर के थ्रू वो लोगों से जुड़े हुए हैं, एक तरह का उनसे कम्युनिकेशन मेंटेन किया हुआ है। पर चूंकि हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी समय से जो है सोशल मीडिया की वजह से लोगों में एक डिस्टेंस बढ़ गया था, एक तरह से जैसे परिवार के सदस्य परिवार में न रह करके ऐसा लगता था जैसे एक अलग अलग जगह पर रह रहे हैं एक ही परिवार में। वो मौका वापस से लोगों को मिला है कि वो एक ही जगह पर रहें, एक परिवार में एक यूनिट के रूप में रहें। तो ये परिस्थितियाँ जिस तरह से बनी हैं इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है और यदि आदमी चाहे तो उसको पॉजिटिव इम्पैक्ट में भी कन्वर्ट कर सकता है। पर मैंने देखा है कि जैसे जैसे 1-2-3 दिन होते हैं, 4 दिन होते हैं, तब तो परिवार में ऐसा रहता है कि कोई बहुत ही ऐसे पारिवारिक माहौल है और उत्सव का माहौल है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं वैसे वैसे वो सब उत्साह ठंडा हो जाता है और उसके बाद इस तरह के ये अवसाद पैदा होने लगते हैं, मेरा अनुभव ये कहता है। इसका ऐसा कारण होता है कि हम जब अचानक एक लॉकडाउन की स्थिति में आ गए, परिवार के सदस्यों के साथ हम रहने लग गए हैं, तो शुरू में जैसा आपने कहा कि 2-4 दिन तो एक उत्सव का सा, एक बड़ा हंसी खुशी का सा माहौल महसूस होता है, वो एक्चुअल में इसलिए होता है कि हम कोई निश्चित दिनचर्या पे नहीं चलते हैं, हम हमारी दिनचर्या को बिल्कुल लहफेजाड़ बना लेते हैं, हमें लगता है जैसे हम एकदम से बेकार हो गए हैं, खराब हो गए हैं, किसी काम के नहीं है, तो हमारी कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है, कोई निश्चित हमारा रूटीन नहीं है, कभी भी सो लिए, कभी भी उठ लिए, कभी भी खा लिए, जब मर्जी आई जैसा खा लिए, मर्जी आई जब सो गए, जहाँ मर्जी आई वहीं सो गए, ऐसा रहता है। और फालतू की बातें टीवी प्रोग्राम ये वो देखते रहते हैं, और जब फ्री होता है आदमी तो आलतू फालतू के प्रोग्रामों में ज़्यादा उलझने की प्रयास करता है। यदि हम इसके विपरीत करना शुरू कर दें, एक निश्चित रूटीन बना लें, एक निश्चित समय के हिसाब से हम हमारा एक सेटअप बना लें पूरे परिवार का, भाई इतने बजे सबको उठना है, छोटी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है या योगा करना है, मेडिटेशन करना है, या घर में बैठ करके बातचीत करनी है, भजन करना है, कीर्तन करना है, पूजा करनी है, कुछ भी
जो भी उनको लगता है, जो भी उचित उनको लगता है, यदि हम वो करते हैं और एक रूट खाने का, सोने का, कार्य करने का, हर जगह का एक निश्चित जगह और निश्चित कार्यक्रम तय कर लेते हैं। जैसे भाई हम यहाँ सब बैठ के एक साथ भोजन करेंगे, बरसों से हम साथ खाना नहीं खा रहे हैं, हम साथ बैठने का हमें मौका मिला तो हम ब्रेकफास्ट भी साथ करेंगे, लंच भी साथ करेंगे, डिनर भी साथ करेंगे, और उस समय एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे, उनकी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। यदि हम इस तरह का रूटीन में सेट करेंगे तो जो उत्सव का माहौल हमें एक दिन पे लग रहा था वो शायद 21 दिन में भी वैसा ही लगेगा। मैंने जो तीन मुख्य बातें नोट करी है जी, वो ये है कि पहला तो खाने पीने में हमारे लोग जो हैं वो बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं जी, और क्योंकि पूरे दिन घर में रहते हैं तो ज्यादा खाने में विश्वास करते हैं, नंबर वन। नंबर टू, मैंने ये देखा है कि ये अनर्गल जो समाचार हैं जी वो बहुत आते हैं और उनका प्रभाव उन पे पड़ता है। तीसरा, जैसा कि आपने कहा, उनकी दिनचर्या ठीक नहीं है, सोने का कोई समय नहीं होता है, उसी कारण ये होता है कि रात में बहुत नींद नहीं आती है जी। और उनके बिल्कुल जो विचार हैं वो कुंठित होने लगते हैं। और चौथी और मुख्य बात जो मैंने देखी है कि वे कोई भी तरह का व्यायाम नहीं करते हैं जी, तो इसके बारे में बताइए। मैं भी यही कहना चाहूंगा सर कि जैसे खाने की बात आपने कही कि खाने में एफएसआर हो जाता है बिल्कुल इरेगुलर, और कई बार तो ऐसी चीजें भी खाने का मन करता है जो हम रूटीन में नहीं भी खाते हैं। चलो घर में कुछ बनाया, चलो बना दो, चलो यही बना दो, चलो वही बना दो, चलो यही खा लेते हैं, थोड़ा खाया थोड़ा फेंका थोड़ा रखा, थोड़ा वेस्टेज भी ज्यादा करते हैं, फालतू की चीजें खाते हैं, बहुत ज्यादा चटपटा या बहुत ज्यादा तेलीय पदार्थ इस तरह की चीजें खाते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे पेट को भी गड़बड़ करते हैं, शरीर को भी गड़बड़ करते हैं और हमारी मानसिकता को भी गलत डायरेक्शन में ले जाने का प्रयास कर देते हैं। इसी तरह से जो हमारा एक रूटीन है दिनचर्या में, जैसे हमारा व्यायाम आमतौर पर भी हम देख रहे हैं आजकल काफी सालों से देख रहे हैं कि लोग बाग शारीरिक चीजों की तरफ हालांकि कोशिश तो करते हैं पर वो जो व्यायाम जिस तरह से एक निश्चित तरीके से व्यायाम होना चाहिए, एक दिनचर्या होनी चाहिए, वैसा नहीं करते हैं। इसमें खासतौर से मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो तनाव को मैनेज करने का जो तरीका होता है रूटीन लाइफ में भी, ये तो एक स्पेसिफिक सिचुएशन है जो 21 दिन की है, वो समय के साथ खत्म पूरी भी हो जाएगी, पर हम देखते हैं कि हम एक निश्चित वातावरण से या निश्चित व्यवस्था के तहत अपनी जिंदगी को शुरू नहीं रखते हैं। जैसे समय पे उठना, समय पे सोना, समय पे खाना खाना, समय पे जो भी हमें काम अलॉट किए गए हैं, जो हमारी व्यवस्था है या जो हमारा प्रोटोकॉल है, जो सामाजिक पारिवारिक व्यवस्था है, उसकी तरह जो हम काम करना चाहिए हमें वो उसके तहत हम नहीं करते हैं, हम हेफेजार्ड वे में कर लेते हैं। जैसे सोने का कोई टाइम नहीं है, टीवी देख रहे हैं, रात को 2 बजे तक सो रहे हैं, फिर सुबह उठने में लेट हो रहे हैं, जब लेट होते हैं सुबह 10 बजे 11 बजे 12 बजे उठते हैं तो अंदर से एक अपराध बोध फील होता है कि यार मैं तो आधा दिन तो मेरा यूं ही पूरा हो गया। तो एक नेगेटिव वातावरण से जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तो डेफिनेटली दिन की शुरुआत के साथ साथ दिन का अंत भी हमें नेगेटिव लगता है, तो फिर नींद भी कम आना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो जाना, सारा का सारा जो शारीरिक और मानसिक जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी विपरीत दिशा में जाने लगती हैं। तो एक निश्चित रूटीन, निश्चित व्यायाम, सोने का समय, उठने का समय, अपना दैनिक दिनचर्या का समय यथावत निश्चित रख के चलने और खाने पे हम नियंत्रण रखें, क्योंकि खाने पे नियंत्रण रूटीन में भी रखना ही पड़ता है। और अभी चूंकि हम फ्री हैं तो हमें लगता है कि और खा लें, ये भी खा लें, वो भी खा लें, उससे हमारा जो व्यवस्था है शारीरिक जो मेटाबॉलिज्म है उसमें फिर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन सब चीज़ों का फर्क पड़ करके हम कहीं ना कहीं नुकसान की स्थिति में चले जाते हैं। और ये सब छोटी छोटी चीज़ें जुड़ती हैं, जैसे हम थकान हो रही है, शरीर भारी हो रहा है, नींद ढंग से नहीं आ रही है, सिर भारी हो गया है, आलस्य महसूस हो रहा है, खाना ढंग से नहीं पा रहा है, अब 4-5 दिन बाद ऐसा लगा अब क्या खाएं, सब तरह तरह की चीज़ें तो बना के खाली पेट भर गया है, पेट भारी रह रहा है, ये सब चीज़ें हमें फिर ले दे करके कुल मिला के नकारात्मकता की तरफ ले जाती हैं जो हमारे लिए लंबे समय के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। चूंकि ये समय छोटा है, 21 दिन का है, दिखने में छोटा कहने में छोटा हो सकता है पर उसको निकालना 21 दिन भी बड़ा मुश्किल काम होता है, उसके तहत भी जो है सारी चीज़ें हम महसूस करते हैं। पर ये रूटीन में भी यदि हम रखें, हमारे रूटीन लाइफ में भी यदि हम ये रखें व्यवस्था, हमारा उठने बैठने का, सोने का, खाने का रूटीन, सारा सामाजिक पारिवारिक प्रोटोकॉल में एक निश्चित तरीके से फॉलो करें तो हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बहुत बढ़िया रहता है। हमारी मानसिकता जिसको हम कहते हैं ना, हमारी साइकोलॉजी, जैसे हम कई बार शब्दों में इस्तेमाल करते हैं, इसकी साइकोलॉजी तो ऐसी होगी, इसकी साइकोलॉजी तो वैसी है, उस साइकोलॉजी को हम मैनेज कर सकते हैं, उसको व्यवस्थित और पॉजिटिव कर सकते हैं। डॉक्टर कुलवाल जी, क्या आप मुझे बताएंगे कि इस तरह के कोई स्टडीज हुए हैं जिसमें एंजाइटी और डिप्रेशन के बारे में आइसोलेशन के प्रभाव बताए गए हों? जी, अभी रिसेंटली मैं पढ़ रहा था, यूके का एक गार्जियन अखबार है, बहुत ही फेमस अखबार है वहाँ का,
उसमें एक स्टडी के बारे में उन्होंने छापा जिसके तथ्य बड़े चौंकाने वाले थे। उन्होंने बताया कि जो एक स्टडी ऑलरेडी चल रही थी, वाकई कुछ विशेषज्ञ लोग इस विशेषज्ञ चीज पर एक स्टडी कर रहे थे जिसमें 2000 लोग शामिल थे, उनमें एक दिन जो जिस दिन वहाँ लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया उसके एक दिन पहले जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन के लक्षण जितने लोग रिपोर्ट कर रहे थे, अगले ही दिन एक दिन बाद लॉकडाउन के वो डेटा डबल से भी ज़्यादा हो गए। आप देखें, एक दिन पहले तक जो एंग्जाइटी 16%, जो डिप्रेशन 17% तक रिपोर्टेड था, वो अचानक अगले दिन लॉकडाउन डिक्लेयर करने के अगले दिन ही 38% लोगों में डिप्रेशन और 36% लोगों में एंग्जाइटी के सिम्टम्स प्रकट हो गए। तो अचानक डिक्लेयर किए हुए सोशल आइसोलेशन, सोशल लॉकडाउन का जो इम्पैक्ट होता है बहुत ही भारी और बहुत ही नेगेटिव नकारात्मक इफेक्ट होता है, जिससे बचने की ही हमें आवश्यकता है एक्चुअल। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि क्या डूज एंड डोंट्स हैं, कि क्या हमें इस स्थिति से बचाव के लिए करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? मैं कुछ हल्के फुल्के कुछ टिप्स देना चाहता हूँ जिससे कि आप अपनी मानसिकता को खराब होने से बचा सकते हैं या इवन थोड़ा सा प्रयास करें तो मजबूत भी कर सकते हैं। जैसे मुख्य बातें जो मैं बताऊंगा, चूंकि आप अभी एक परिवार में रह रहे हैं, एक यूनिट में रह रहे हैं, आप अभी समाज से आपका डिस्टेंस बना हुआ है, तो परिवार के सदस्यों के साथ में उनकी मानसिक स्थिति को समझते हुए उनके साथ समय बिताएं, उनके साथ बात करें और ये देखें कि कोई अनावश्यक दबाव में तो नहीं है, मानसिक रूप से कोई भी सदस्य अनावश्यक दबाव में तो नहीं है। और यदि आपको लगता है कि वो अनावश्यक दबाव में आ गया है या कुछ नेगेटिविटी उसमें डेवलप हो रही है या इधर उधर के समाचार या नेगेटिव बातें सुन सुन के वो एक तनाव में आ रहा है, तो उसकी मानसिकता को समझते हुए, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन निकालते हुए उसकी मानसिकता को इम्प्रूव करने का प्रयास करें ताकि वो अनावश्यक दबाव में न रह करके कहीं नेगेटिव ना हो जाए। इसी प्रकार मैं चाहूंगा कि जो आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, मिलने जुलने वाले हैं, उनसे कोई भी तरह की नेगेटिव बात शेयर नहीं करें, क्योंकि आप देखते हैं कि आपके सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक पे बहुत सारी फेक न्यूज, बहुत सारे फेक वीडियोस, बहुत सारी फेक टेक्स्ट मैसेजेज ये सब आते हैं, आप उनको अनावश्यक रूप से शेयर ना करें। उससे क्या होता है कि जो आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनकी मानसिकता सबकी अलग अलग है, पता नहीं कौन किसको किस चीज़ के रूप में किस दबाव में ले लेगा, और यदि कोई अनावश्यक मानसिक दबाव में आ गया तो हो सकता है उसकी मानसिकता खराब हो जाए और जो ऑलरेडी पहले से ही यदि कोई एंग्जाइटी, डिप्रेशन या किसी प्रकार के तनाव की वजह से यदि वो चल रहा है किसी कारण से, तो उसका अनावश्यक तनाव अत्यधिक मात्रा में बढ़ने की भी संभावना रहती है। इसलिए इस तरह की चीज से बचें। मुझे तो ये भी लगा कि जैसे टीवी पे जो डाटा आते हैं जी, हल्के से उसमें कोई भी बदलाव या कोई बढ़त आ गई कि भाई इतने मरीज थे और इतने हो गए, तो वो भी तनाव दे देता है कई लोगों को। हाँ, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो इस तरह की जो न्यूज आती है ना कि भाई इतने मरीज घट गए, इतने मरीज बढ़ गए, इतने पॉजिटिव आ गए, इतने संक्रमित हो गए, इतना फैल गए, ये सब क्या प्रशासनिक और हेल्थ डिपार्टमेंट के डेटाज हैं जिन पे आम आदमी को उनको देखने से, उनको सोचने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे दिमाग पे अनावश्यक मानसिक दबाव क्रिएट करते हैं और फिर हम उस दबाव के तहत हमारी मानसिकता को नेगेटिव कर बैठते हैं। हालांकि सरकार तो जानकारी के लिए देती है और अच्छे के लिए देती है। मैं तो ये कहूंगा कि हमारे भारतवर्ष के जो डाटा है वो बहुत ही अच्छे हैं और सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। डेटा डेफिनेटली और जगह से बहुत कम है, पर चूंकि हर आदमी की अपनी मानसिकता है ना, यदि वो अननेसेसरी पहले से उसकी पर्सनलिटी एंग्शियस है, डिप्रेसिव है या वो किसी कारण से एंग्जाइटी, डिप्रेशन में चल रहा है, तो उसके लिए सब डेटा जो है थोड़े भारी हो जाते हैं। इसलिए इन डेटाओं को शेयर करने से बचें। यदि आपने पढ़ भी लिया है, देख भी लिया, तो उसके बारे में सोचने से और उसके बारे में शेयर करने से बचें। यानी कि सरकार पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो बहुत अच्छा जो व्यवस्था ये प्रशासन द्वारा की जा रही है, हेल्थ डिपार्टमेंट की, वो व्यवस्थित है, अच्छी है, अपने मैक्सिमम स्तर की है, जिससे लोगों को फायदा होगा, जान माल की सुरक्षा होगी, ये मानते हुए, उन पर विश्वास रखते हुए अपनी मानसिकता पर दबाव न बढ़ाएं। जी, और क्या पॉइंट है सर? इसके अलावा यह है कि जो परिवार के सदस्य हैं, सभी तरह की उम्र के सदस्य आपके परिवार में हैं, उन सभी उम्र के सदस्यों को शामिल करते हुए एक इफेक्टिव, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन करते हुए, एक अच्छा संवाद करते हुए, व्यवस्थित और पॉजिटिव संवाद करते हुए उन सभी को सभी तरह के कार्यक्रम में शामिल रखें ताकि हर सदस्य को ये लगे कि मैं उस परिवार का, उस समाज का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हूँ, ऐसा उसको लगना चाहिए। तीसरा मैं कहना चाहूँगा कि एक दिनचर्या निश्चित करें, उठने का, सोने का, खाने का समय निश्चित करें, खाना भी आवश्यकता अनुसार जितना जरूरी हो और वो भी टुकड़ों में समय के साथ खाएं, अनावश्यक खाना या बिना बात खाना या जबरदस्ती खाना उसको अवॉइड करना चाहिए, और एक छोटा मोटा कोई ऐसा रूटीन बनाना चाहिए जिससे जैसे एक निश्चित प्रक्रिया हो, जैसे पूजा पाठ हो, भजन हो, कीर्तन हो, व्यायाम हो, एक्सरसाइज हो, योगा हो, मेडिटेशन हो, मतलब जैसा जिसको अच्छा लगता है, जैसा जिसको पसंद है वो सब कर सकते हैं।
और इन सबसे ऊपर एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये जो खाली समय मिला है अपने आप में झांकें, आप में क्या कमी है, क्या अच्छाई है, अपनी अच्छाइयों को बाहर निकालने का प्रयास करें। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपसे छूट गए हैं, जो आप कई टाइम से काफी समय से सोच रहे करूंगा करूंगा नहीं कर पा रहे। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को व्यवस्थित कर सकते हैं, आप अपने घर की अलमारियां और अपने जो रूम्स हैं जो अव्यवस्थित किसी कारण से हो गए हैं उनको वापस से रीव्यवस्थित कर सकते हैं, रीशेड्यूल कर सकते हैं, रीएडजस्ट कर सकते हैं, ताकि आगे आगे जो समय आए उसमें आपको हर चीज इजीली अवेलेबल हो, तरीके से अवेलेबल हो, और जो चीजें आपके पास काम की पड़ी हैं जिनको आप भूल चुके हैं वो आपके काम आ जाए। तीसरा, इसके अलावा जो आप कोई नया चीज सीख सकते हैं, जैसे आजकल तो ऑनलाइन कोर्स भी बहुत सारे चलते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आप एक अपना लिए कोई बिजनेस प्लान या अपने प्रोफेशन में कुछ इंप्रूवमेंट करने के लिए आप नया प्लान सोच सकते हैं, कोई नई चीज सीख सकते हैं, ऑनलाइन सीख सकते हैं, उसमें थोड़ा समय देना पड़ता है और वहां से सीख करके आप अपने आप को बेटर महसूस कर सकते हैं। और जब ये नई चीज सीखेंगे, सारे चीजें आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, घर को, समाज को, परिवार को, सबको जब इन सब चीजों को व्यवस्थित करेंगे तो आपको लगेगा कि आपका अपना कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया है। और जब इन परिस्थितियों से जब आप वापस बाहर आकर के एक समाज की मुख्यधारा में वापस जब चलना शुरू करेंगे तो आप अपने आप को पहले से ज्यादा अच्छा और व्यवस्थित महसूस करेंगे। मुझे लगता है योग और मेडिटेशन का बहुत ही उपयोगिता है। योग काफ़ी साधारण तरीके से सभी लोग बताते हैं तो हमें वो भी करना चाहिए। और जहाँ तक मेडिटेशन का सवाल है, मैंने ये देखा है कि मेडिटेशन थोड़ा करना मुश्किल होता है, तो उसकी जगह क्या हम भजन या सामूहिक रूप से प्रार्थना कर सकते हैं? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, जैसे सामूहिक प्रार्थना करना, सामूहिक भजन करना। जैसे पुराने जमाने में हम देखते थे कि घर में आरती होती थी तो घर के सारे सदस्य मिलकर के आरती गाते थे, आरती में खड़े होते थे, आरती का प्रसाद लेते थे, सबके हाथ जोड़ते थे, पांव छूते थे। वो प्रक्रिया अभी भी अपना सकते हैं, वापस उसको कर सकते हैं, योगा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सब चीजें ऐसी हैं, चाहे वो योगा हो, चाहे व्यायाम हो, चाहे भजन हो, कीर्तन हो, आरती हो, ये सब चीजें हमारी जो एंग्जाइटी है, बेसिक एंग्जाइटी लेवल होता है ना हर आदमी का, उसको नीचे लाती है। तो जब भी कोई नेगेटिव इंसिडेंस आएगा, कोई गलत चीज आएगी, कोई मानसिक दबाव बनेगा, तो उस दबाव का इम्पैक्ट, उसका असर उतना नकारात्मक नहीं पड़ेगा जितना वो पड़ता है, क्योंकि हमारा एंग्जाइटी लेवल यदि हम नीचे ले आते हैं इन चीज़ों से, तो सब चीज़ों को टॉलरेट करने की हमारी क्षमता बढ़ती है, बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ती है, तो हम अपने आप को कम नुकसान में पाते हैं या नुकसान को न के बराबर कर पाते हैं। डॉक्टर कुलवाल जी, इस स्थिति में आपका अंतिम संदेश क्या रहेगा सभी परिवारों के लिए? मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी कारणवश हमें परिवार में एक यूनिट के रूप में रहने को मिला है, इस यूनिट को एंजॉय करें, इस परिवार को एंजॉय करें, आराम से रहें, सुखी रहें, खुश रहें, मस्त रहें, और नई नई चीज़ें, नई नई बात आपस में विचारों का आदान प्रदान करके, भावनाओं का ध्यान रखते हुए सबका, और अपने आप को पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास करें। थैंक यू डॉक्टर कुलवाल कि आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। आशा है आप सभी दर्शकों को इससे लाभ मिलेगा। और मैं भी ये कहना चाहूँगा कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें, योगा करें, मेडिटेट करें। ये समय है, कल निकल जाएगा, लेकिन राष्ट्र की उन्नति के लिए ज़रूरी है कि आप अपना स्वास्थ्य ठीक रखें। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाथ तो नहीं मिलाएंगे सर, कोनी से कोनी। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर।